दिस इज सैयद रियाज अली। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, इसका कोड है मैथ 113 और मैथ 123 ये टेक्नोलॉजीज के लिए होगा। चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पहली है एन इक्वेशन। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इक्वल टू बिटवीन टू एक्सप्रेशन। अगर दो एक्सप्रेशंस के दरमियान ये इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। फिर है जी दूसरी टर्म डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज द हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन वन ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x + 5। अब यहाँ पे देखें हमने इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो ये कहलाएगी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। और यहाँ पे पावर देखें, यहाँ पर पावर क्या है 2। जो हाईएस्ट पावर होगी किसी एक टर्म में, किसी एक टर्म की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहेंगे, उसकी डिग्री। तो ये हमारी हो जाएगी सेकेंड डिग्री इक्वेशन। और इसमें देखिए यहाँ दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो इन दोनों का आपने क्या करना है, सम करना है। तो इसका सम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो ये तो डिग्री के बारे में। डिग्री क्या है, किसी भी टर्म में जो हाईएस्ट पावर होगी, अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री होगी, अगर दो वेरिएबल हैं तो उन दोनों वेरिएबल्स का की पावर्स को आपने सम करना है और जो हाईएस्ट पावर आएगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई सी भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखें 2x² - 3x + 7 = 0। अब यहाँ पे डिग्री इसकी क्या है, 2 है, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a, b and c आर कॉन्स्टेंट्स। a, b, c आर कॉन्स्टेंट विद a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें a जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाए तो फिर हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, ये आ जाएगी 2x + c = 0। अगर यहाँ पे हम a को 0 कर दें, a 0x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाएगी। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी, इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर क्या हो या डिग्री क्या हो, 1। यहाँ पे देखें ये डिग्री 1 है तो ये इक्वेशन लीनियर होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है लीनियर इक्वेशन में अगर ए आपका 0 हो जाए। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, देयर आर 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 1 में, बाय फैक्टराइजेशन फर्स्ट मेथड है, सेकेंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम जिस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाय फैक्टराइजेशन। जी बच्चों पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग equations by factorization। So first part है 3x² + 7x + 4 = 0। अब हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना है,
सबसे पहले आपने ये करना है, इसको अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। इसका फर्स्ट स्टेप है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होती तो इस इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते। अब फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को और 4 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 12। अगर एक्स स्क्वायर को भी साथ लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर भी साथ लिख सकते हैं, लेकिन हम इनके यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और ये यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब 12 के आपने फैक्टर्स बनाने, ये देखना है कि 12 किस किस पर डिवाइड होता है। अगर 1 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 12, 2 पे डिवाइड करें तो 6, 3 पे डिवाइड करें तो 4। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। हमने यहाँ पे साइन देखना है प्लस, तो इनमें से वो वाला पेयर लेंगे, इसे प्लस करें तो ये 7 आए। यहाँ पे देखिए 3 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये 7 आएगा। तो आपने इसको कैसे लिखना है, 3x² प्लस 7 को आप लिख सकते हैं 4 प्लस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला स्टेप आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बेहतर है कि इसको 7 को हमने क्या किया 4 प्लस 3 लिख दिया, तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x प्लस 3x हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 4। अब यहाँ पे बजाय कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 हर टर्म में कॉमन होता है, 1 कॉमन लिया। ये 3x प्लस 4, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आती तो इसका मतलब है हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो उसमें कहीं गलती है। तो 3x प्लस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए। अब ये इस इक्वेशन को तब सेटिस्फाई करेगा जब ये वाला फैक्टर 0 हो, ये बेशक 0 ना हो, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो देखिए आंसर क्या आएगा 0 होगा, या ये फैक्टर अगर 0 नहीं होता तो इसका 0 होना ज़रूरी है तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हम इन्हें सेपरेट करेंगे, हम लिखेंगे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 1, 3x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3। तो ये माइनस 1 एंड माइनस 4 ओवर 3 ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन है। ये स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है ये इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 2x माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इन टर्म्स को इस साइड पे ले आए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये पहले ही फैक्टर इसके बने हुए हैं, हम इसको प्लस करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लें, एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया तो एक्स रह गया, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3। अब इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन हमने इस तरह देखना होता है कि ये 2 और 6 दोनों किस पर डिवाइड होते हैं, ये दोनों डिवाइड होते हैं 2 पर, 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये एक्स माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म सेम आ गई, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, तो ये 3 और 2 ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका,
है 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और 5, 1 माइनस x। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर में ये जो 5 है इसको आपने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15x², इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा, इसे जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और वो वाला 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस x हो जाएगा। इन टर्म्स को इस साइड पे ले आए तो 15x² माइनस 5 माइनस 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। जब टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसको अरेंज करेंगे 15x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए आपको बताया था कि x² का जो कोएफिशिएंट होगा 15 और इधर जो टर्म आएगी उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। 15 मल्टीप्लाई 6 जो है ये इक्वल टू होता है 90। अब हमने 90 के फैक्टर्स बनाने हैं। 90 किस किस पर डिवाइड होता है, 190 2 से डिवाइड करें तो 45 आएगा, 3 पे डिवाइड करें 30, 4 पे ये डिवाइड नहीं होता, 5 पे डिवाइड करेंगे तो 18, 6 पे डिवाइड करें तो 15 और 9 पे डिवाइड करें तो ये 10 आता है। ये इसके फैक्टर बन गए। अब यहाँ भी आपने साइन देखना है माइनस, इनमें से आपने वो वाला पेयर लेना है जिसे माइनस करें तो ये एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 आना चाहिए। आपने इसमें से वो वाला पेयर लेना है जिसको माइनस करें तो ये 1 आना चाहिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, 15x², अब इस 1 को लिख सकते हैं 10 माइनस 9 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 था, 10 माइनस 9 ये इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 15x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या आता है, कॉमन 5x है, 5x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3x कॉमन। जब आपने निकालना है आपने देखना है कि 10 और 5 15 ये दोनों किस पर डिवाइड होते हैं, ये 5 पे डिवाइड होते हैं। तो 5 आपने कॉमन निकाल लिया और कॉमन निकालने के बाद आपने क्या करना है, 15 को 5 से डिवाइड करना है। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। और x यहाँ से आपने कॉमन निकाल लिया था, यहाँ से 9 और 6। अब हमें देखना है 9 और 6 ये दोनों किस पर डिवाइड होते हैं, ये दोनों डिवाइड होते हैं 3 पर। 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करना है, 3x। अब ये माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, ये टर्म जो है सेम आई थी, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हमने ठीक किया है। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू माइनस 2 और 5x इज इक्वल टू 3, तो x किसके इक्वल आ जाएगा जी, x इक्वल टू होगा माइनस 2 बाई 3 एंड 3 बाय 5, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा माइनस 2 बाई 3 एंड 3 बाय 5। इसको हम एस एस लिख सकते हैं या हल सेट लिख सकते हैं या सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ पार्ट है जी इसका, ये 2x प्लस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,
वन को शिफ्ट कर लें लेफ्ट साइड पे तो ये माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आपने क्या करना था, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा फोर, फोर के फैक्टर बनाएंगे वन फोर और टू और टू, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने से फाइव आना चाहिए, ये देखिए ये प्लस करने से फाइव आएगा, तो टू एक्स प्लस फाइव को हम लिख सकते हैं फोर प्लस वन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखना है कि यहाँ से कॉमन क्या होगा, यहाँ से टू एक्स कॉमन लेंगे, टू एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स प्लस टू, और यहाँ से वन कॉमन लेंगे तो ये एक्स प्लस टू हो जाएगा, ये टर्म सेम आ गई एक्स प्लस टू और टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखें एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और यहाँ से आएगा टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू, माइनस टू एंड माइनस वन ओवर टू, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो। ये स्टूडेंट्स उम्मीद काफ़ी है आपको समझ आई होगी आज का लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह इजाज़त।